और दुर्ग जिले में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के चलते चना, गेहूं और धान की फसलों को नुकसान की आशंका है। जिले के किसान इस समय 56,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल ले रहे हैं। इनमें लगभग 6,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी सब्जियों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। वहीं खेतों को काट कर रखे गए चूना और गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होगी, जिसका असर रेट पर भी पड़ेगा। किसानों का कहना है कि अचानक बारिश होने पर एसिडिक रेन होता है, जिसके कारण सब्जियों के पौधों को नुकसान पहुंचता है। जब घर बंद है पूरा उसका छेद पड़ जाते हैं, वो से गोभी में जैसे होता है उसको कीड़ा पड़ जाता है, टमाटर जैसे फसल में भी कीड़ा पड़ जाता है, और जिस तरह पालक भाजी है और प्याज भाजी पूरा उसका तो पत्ता भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है छोटा छोटा, कहाँ हो पाएगी भरपाई नहीं होगा। क्या नाम? एक अलावा रबी में जो मन है चना गेहूं इत्यादि के अपन बुआई करे है, ये तमाम किसान ला भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि अभी चना और गेहूं हाँ जर्मिनेशन के बाद जो हाइट बहुत कम है, जाहिर है सब पानी में डूब गए है और उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित होने वाला है। मगर कन्हार और मटासी माटी वाले जो उद्यान की फसल वाले किसान हैं, ओला लगभग 50% से ज़्यादा फसल अभी नुकसान। दुर्ग पुलिस ने चैन स्नेचिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 नग सोने की चैन और 2 बाइक को जब्त किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग सहित देश भर में इन दिनों महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप बड़े जोरों से चल रहा है। इसी ऐप में सट्टा खेलने के चक्कर में कुछ युवक 4,50,000 रुपए हारकर कर्ज में डूब गए थे, जिसे छूटने के लिए गिरोह बनाया और लूट की वारदात को अंजाम देने लगे। आरोपी ने यूट्यूब देखकर चोरी का तरीका सीखा था। 7 चेन स्नैचिंग के जो इंसिडेंट्स हुए थे उसमें 4 जो आरोपी हैं उनको आज गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मुख्य आरोपी है जो पहले शराब तस्करी में भी 2 बार राजनांदगांव में देर जेल जा चुका है, जो कि महादेव पैनल भी चलाता था, 4.5 लाख रुपए वहां पे कर्ज की बात करके उसने ये चोरी शुरू की। जल्दी पैसा कमाने की चाहत में ये लोग चेन स्नैचिंग इंसिडेंट करते थे, महिलाओं को टारगेट करते थे, 2 से 4 बजे के बीच में किया करते थे, सुनसान गलियों में ये जो है छीन के भाग जाया करते थे और तुरंत जाके इसको सुपेला में एक रोशन ज्वेलर्स के यहाँ 50% दाम में बेच दिया करते थे।